हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निजी ट्रेवल्स की बस से 86 लाख की चांदी बरामद। उत्तर प्रदेश से गुजरात जा रही थी बस, यात्रियों की सीट के नीचे से बरामद की गई 143 किलो 264 ग्राम चांदी। आबू रोड रिको पुलिस की ओर से मावल चौकी पर गुरुवार को बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश से गुजरात जा रही थी निजी ट्रेवल्स की बस से 143 किलो 264 ग्राम चांदी बरामद की गई। चांदी का मूल्य 86 लाख रुपया आंका गया है। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत डीएसपी योगेश शर्मा के सुपरविजन में रिको थाना अधिकारी हरचंद राम के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मावल चौकी पर गुजरात जाने वाले वाहनों की जांच शुरू की गई। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के आगरा से जयपुर होते हुए अहमदाबाद जा रही बस को चौकी पर रोका गया। बस में सवार यात्रियों को उतारकर बस की घनता से जांच की गई। स्लीपर कोच बस में यात्रियों के सीटों के नीचे छिपाकर ले जा रही थी 143 किलो 264 ग्राम चांदी बरामद की गई। बरामद की गई चांदी का मूल्य 86 लाख रुपए का आंका गया है। पुलिस ने बस व चांदी को सीज कर दिया। फिलहाल बस चालक व कंडक्टर से चांदी का पैकेट भेजने वाले के बारे में पूछताछ की जा रही है। 9 पैकेट पुलिस ने 143 किलो 264 ग्राम चांदी के 9 पैकेट बरामद किए। छोटे बड़े साइज में चांदी के पैकेट पाए गए हैं। वहीं बस में सवार यात्रियों के लिए पुलिस की ओर से अन्य वाहन की व्यवस्था की गई। यात्रियों को गंतव्य के लिए वाहन उपलब्ध करवाया गया। इसी के बाद अग्रिम कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।